विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव तस्मै श्रीगुरुभूत नमेदं श्रीदक्षिणा संभोगे विप्रलम्बे निरुभयमभयं भाति भूपो परसानां विक्षेपे वा समाधौ विहरण निपुणा ब्रह्म विद्येव इत्थं लोकैरसोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकान् नन्दयन् वं ब्रवीति ओ पुरुष उसको सत्य करेंगे
अक्षर पर्यंत
पर ये है माने अक्षर दो प्रकार का है, एक सबीज अक्षर और एक निर्बीज अक्षर। क्योंकि जो व्याकृत जिसका नाम है वो सबीज अक्षर है और अव्याकृत का भी जो स्व प्रकाश अविष्कार है वो निर्बीज अक्षर है। अक्षरांतरता परत अक्षरा पर संपूर्ण काल प्रकार से व्याकृत वर्ग से विलक्षण जो अव्याकृत है सभी उससे भी परे अव्याकृत हमें विपत्ति विपत्ति विपरा कल यहाँ जो अजब कहा उसकी व्याख्या तभी हो सकती है, अप्राण अमना की व्याख्या तभी हो सकती है जब परमात्मा को हुए अजन्मा और प्राण मन आदि हुए जन्मवान। यदि प्राण और मन आदि जन्मवान नहीं हुए तो अब प्राणों में मना की व्याख्या पूरी नहीं होगी। इसलिए शुद्धि का जो अगला मंत्र है वो कहता है सबकी उत्पत्ति होती है। ये तस्मात जायते प्राणमात्मना खम वायु जो भी रातो पृथ्वी विश्व से धारण अभी तस्मात जायते प्राण अस्तित्व वाच्य की अनभिव्यक्ति का विकल्प होता है।
उस समय नाम रूपात्मक जो व्यक्त है ये प्रकट नहीं हुआ था। इतने जो विजापक और व्यापक है उसमें तो ये दोनों नहीं है। इसी से शास्त्रीय सूत्र में आनी अवाकम स्वर्या तदेकम, वहां हवा तो नहीं थी पर हवा के बिना ही सांस आनी जीवन था, वायु ही जीवन था उस समय। तो जीवन था तो आनी ठीक है, अनंत था वहां, अनंत माने प्राण, प्राण वहां था। अच्छा ठीक है, वो भी बैठ के जब जगत के कारण का विचार करते हैं तब पहला क्रम है वेदांत का देह का अनुवाद करना, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय जागृत स्वास्थ्य, इनका अपवाद ये बिना जो आत्म वस्तु को ब्रह्मत्व मानना है वो केवल मान्यता मात्र नहीं है, उसमें अनुभव नहीं है। तो ये सब जितनी स्थिति गति है, चाहे समाधि हो चाहे संकल्प सिद्धि हो, जितना भी व्यक्तित्व का उत्कर्ष है उस सब का सब देह में हम जब बैठ करके प्रपंच का विचार करते हैं, क्योंकि सूक्ति स्पष्ट कहती है ध्यायती हो ले जायती हो, ध्यायती हो ये मन का विषय है, वस्तु तो मनो नास्ती करता, और ले जायती हो ये प्राण का विषय है, ले जायती मन चलता है, तो ले जायती नहीं है ले जायती हो है, और न्यायत जीव ध्यान नहीं करता है, न्यायत जीव ध्यान का करता है। इसका अर्थ है वस्तु में संबंधित प्राण है, ये तो सब दैनिक है, मन भी दैनिक है, देह की उपाधि से वायु का एक नाम प्राण होता है, देह की उपाधि से जो चिन्मयता है व्यापक चिन्मयता उसका एक नाम माना जाता है। ये जो है ये हड्डी मांस नाम जो है ना, ये बड़ा बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता है, इसीलिए बैठ के बहुत नाम है जैसे ब्रह्म को खींच के बैठे, जैसे बैकुंठ से नारायण को बोलो साकेत से राम को जैसे खींच के अपने करेले के भीतर के बीच के माँ रखते हैं, वैसे ये ब्रह्म को समेट करके देखो तत्व वस्तु जब समझ रहा तब उसको दो टूक समझना है, और जब आपको रोटी खानी हो तो बड़े प्रेम से खानी चाहिए, तब अंदर ब्रह्म करके तब रोटी खानी हो तब तो प्राणायाय करके खाना, लेकिन जब शत्रु का विचार करना हो तो उसमें दो सत्व चिंतन दूसरी चीज है और शरीर को बनाना ही दूसरी चीज, वही तस्मात जायते तस्मात पुरुषा, इसी पुरुष में जो भी अजन्मा है इसी से प्राण की उत्पत्ति होती है। अब एक बात और, ये पंचमी विभक्ति जो है ये भी महाराज अपने कारण से अलग कर देने के लिए प्रयोग होती है, जैसे वृक्षात पत्रम पद्धति, वृक्ष से पत्ता गिरा, अब यहाँ वृक्षात में जो पंचमी है वो वृक्ष से पत्र के अलगाव का सूचक है, हिमवतो गंगा प्रभवत, हिमवान से गंगा निकलती है, तो
خود ایمان سے الگ ہو جاتی ہے, ایمان سے چھوٹ جاتی ہے. ہماچل کی ستا اور گنگا کی ستا ایک نہیں ہے, وکش کی ستا اور پتھر کی ستا ایک نہیں ہے. تو یہ سب ساتھ ہے جس سے یہ پران نکلے اور من نکلے, وہ ایک دوسری چیز ہے. اور یہ نکلی ہوئی چیز ہے وہ ایک دوسری چیز ہے. یہ سب ساتھ آتما ہے اور یہ سب جو ہے وہ پرتیکش چیتنیہ ہے, اور اس سے جو نکلا ہوا پران ہے وہ پراکرم ہے. کیونکہ پران کی اتپتی کے پورو پران نہیں تھا, من کی اتپتی کے پورو من نہیں تھا, اس لیے پاچا پڑھ وکار نام نکلتے اتپتی. یہ کیول واڑی کے آرمبھ ہے کیا بازار پڑھو سودا ہے, مال نہیں ہے, واچار جوانی زمان کیول وانی سے کہنے مات کا ہے, بان ماتر ہے, کتھن ماتر ہے. جسے بولتے ہیں کتن مات نام لے جائے گا نام ہی ہے ارتھو نام نام یہ نام لے جم یہ پرت ہے نام سب سے پرت ہو گیا نام یہ نام لے جم اس بات میں ہی کر دیتا کیول نام ہی ہے ارتھ نہیں ہے مٹی سے پران سے ہی کریا ہوتی ہے
मौजूद है। परमात्मा है अप्राण, प्राण की हुई है उत्पत्ति, प्राण की उपाधि से होती है क्रिया, और क्रिया जो है वो कर्म की अपेक्षा रखती है, और उससे होता है फल। तो फल ही जो है वो कर्ता को भोक्ता बना देता है, पर कर्तृत्व और भोक्तृत्व का संबंध परमात्मा से नहीं है। हम जो भोक्तृत्व को दूसरे ढंग से लेते हैं, अपना जितना भोग है भोग मानस नहीं होता है, मन न हो तो कोई भोग होते ही नहीं। इस संसार रोग का भी दुख है, या प्रिय मिलन का जो सुख है, ये सुख दुख जितने होते हैं अगर एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो सारे के सारे चौपट, धान खा लेने पर सबके सब चौपट। तो ये जो सुख दुख है वो तो सुख दुख रूप ही है, वो बहुत कुछ नहीं। बुढ़ापे के कारण मन दुख होता है, मृत्यु की कल्पना से मन में दुख होता है, तो मन मरण है, धन हरण है, वन गमन है, भवन दहन है, ये सुख दुख उत्पन्न करेंगे तो कहाँ करेंगे? इस सारे मन से ही तो सुख उत्पन्न करेंगे ना, तो हमारे तो मन ही नहीं, मैं अमना हमारे स्वरूप में मन ही नहीं है, सुख दुख कहाँ से होंगे? ये मणिराम जो है ये भी दो नंबर का माल है, दो नंबर का माल आया कि गया, चोरी का माल आया कि गया, अब आया तो बड़े खुश हुए और गया तो रोने लग गए। हमको ये बात रोज देखने को मिलती है, ऐसा ऐसा देखा कि बाप ही दो नंबर का माल अगर बेटे को नहीं दे रखा, और बेटे ही दो नंबर का माल कमा लेता है बाप को। भाई भाई जो है वो एक नंबर के माल में तो बंटवारा करेंगे ईमानदारी से, और दो नंबर के माल में बेईमानी कर लेंगे। तो ये जो सूचना है ये दो नंबर का माल है और अपने हक का है, ये अपने हक का नहीं, जिसमें आवे चाहे जाए। अब प्राणों बोलता शंकराचार्य ने भोक्तृत्व का उपलब्धित्व किया है, जब गुण गुण भोक्तृच, यहाँ गुण भोक्तृत्व का अर्थ गुणोपलब्धित्व, ये केवल उपलब्धि होगी। तो वस्तु का सुख दुख जो है और उपलब्धि के विषय है कि उपलब्धि मात्र है। अच्छा, उपलब्धि के विषय है तो अन्य है, उपलब्धि स्वरूप है तो उसमें तो कोई सुख दुख का कोई ज्ञान दे नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हमने, और सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम जानते हैं, और सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम प्रिय हैं, और सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि मेरे सिवाय दूसरा कुछ है। जिसको मालूम पड़ा भारत प्रधान प्रत्यगात्मा
और सत्ता प्रधान जो है वो परोक्ष परमेश्वर, उससे हुआ किससे हुआ, पंद्रह आपस में एक ने कहा उससे हुआ, एक ने कहा इससे हुआ, अरे भगवान कुछ मालूम हुई है कब होते थे और उत्पन्न होते कब थे, था नहीं तो देखा क्या है? और यदि पहले से था तो उससे हुआ, अरे बाबा हमारे देखने के पहले था कि नहीं था ये कौन बता? तो इसी से दोनों का वर्णन, दोनों का वर्णन करने का अर्थ ये हुआ कि असल में ही और वो दोनों एक एक ही तत्वात्मा एक तत्वा, इसी से बाक आत्मा विकल्प नहीं, वहां बाक आत्मा की जगह वही है, तस्माद वही के तस्मा वही का आई, आई का आय हो गए और उसका श्लोक हो जाता है किया गया और वाह रहता है। तो वहां विकल्पार्थक वाह शब्द नहीं, निश्चयार्थक वही शब्द है। तो तस्माद वाह ए तस्मा, तस्माद एव ए तस्मा, जो परमात्मा से अभिन्न ही है प्रत्येगा उससे आकाश समुद्र एक स्नान जायते प्राणों सर्वे क्रियाण च अभी फलिदार प्रश्न यह है कि यहाँ क्रम है कि नहीं, क्योंकि वहां पर है तस्मात वायु तस्मात आकाश, आकाशात वायु वायु रग्नि अग्नि रावा अग्नि पृथ्वी, और यहाँ एक से दूसरे की उत्पत्ति नहीं होते, यहाँ तो बिना क्रम के स्वप्न, जैसे स्वप्न में बिना क्रम के सृष्टि होती है उस ढंग से बोल रहे हैं। तो फिर आप क्रम अक्रम पर थोड़ा विचार करें, ये सृष्टि जो है ये स्वप्नवत है, तब तो क्रम विवर्तित हो गई थी, और यदि विचार से हम इसकी प्रक्रिया प्रक्रिया को देखते हैं तो पंचीकरण की प्रक्रिया से क्रम मालूम पड़ता है, दस्तावेज